हुक्म भिजवाया कि नवासाए रसूल अगर मेरी बयत न करे तो उसे कत्ल किया जाए। फौजी यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासाए रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास, उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, ये जो फौज तुम देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। ऐ लोगो, तुमने मदीने से लेके यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, चले जाओ अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ चले जाओ। जब इमाम हुसैन ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है। अब्बास चराग बुझा दो। बस चराग का बुझना था, इमाम हुसैन सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी, इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चराग जलाओ। जैसे ही चराग चले, इमाम हुसैन देखते हैं एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपने गर्दन पे रख के कहता है, ऐ नवासाए रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के जाए, जब हम मर जाएंगे आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी जाने हमारे बच्चों की जाने आपके कदमों पे कुर्बान मेरे मौला, अगर आप हुक्म करें हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले, ऐ मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझको साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, अजान अली अकबर आई, नमाज में हमला हुआ, एक एक मौला का चाहने वाला इमाम के कदमों पे कुर्बान होता रहा, कभी हुर कभी जॉन कभी हबीब कभी जनाब अब्बास कभी शहजादा कासिम कभी शहजादा अकबर तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई भी ना रहा, इमाम हुसैन खेमे में आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहनों ऐ मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो, वावेला की सदाएं आम हो गई। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब मेरे बाद तुमको कैद किया जाएगा। फिर आप एक खेमे में आते हैं जहां एक बीमार सोया हुआ होता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अली उठो अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जनाब सज्जाद बिस्तरे बीमारी से उठते हैं, देखते हैं कि उनका बाबा खून में रंगीन और उनका लिबास इतना सादा और फटा हुआ। इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहर किनारे सो रहे हैं अली अकबर, उनको पर्ची लगी, उनकी लाश वहाँ रखी हुई है, एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बस इतने में ज़ैनुल आबिदीन सहारे से उठते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे मौला, मुझे इजाजत दे मैं मैदान में जाऊँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहाँ खत्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा, तुम्हें अपनी बहनों बेटियों माओ के साथ बाजारों में कैदी बन के जाना है, सज्जाद यजीद की दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद सारों कतार रोने लगे और नजरें उठा के पूछने लगे कि ऐ मेरे बाबा, आपने इतना पुराना लिबास है वतन किया है। इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद मुझे पता है कि ये लोग इतने कमजोर्फ हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे
मेरी लाश को लूटेंगे, खयाम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का ये पुराना लिबास देख के उनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान आए, सबसे पहले कहा, ऐ लोगो पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल अपने कंधों पे सवार करता था। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल सीने पे सुलाता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहता था, हुसैन ओ मिन्नी वा अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जब नमाज के दौरान मैं रसूल अल्लाह की पुश्त पे आता था तो तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सजदे को तूल देता था कि ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह सजदे से उठे और मुझे तकलीफ आ जाए। ऐ लोगो, तुमने आज उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोजख को लिखा है। बताओ मेरा क्या गुनाह है? बताओ क्या मैंने किसी इंसान का हक गस्ब किया है? बताओ क्या मैंने कोई नमाज कजा की है? बताओ मैंने क्या जुर्म किया है? लोग कहने लगे कि तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो, वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिम्र कहने लगा कि हुसैन की बातें न सुनो, बस हमला कर दो। इमाम हुसैन पे हमला हो गया। तारीख ने तहरीर कर दिया कि इस जमीन पे आज से पहले ऐसी जंग कभी न देखी थी। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ तीन दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली था। लाश फिदा में उड़ते रहे, हजारों लोग फिदनार होते रहे। अली का शेर, अली की जुल्फकार और रसूल अल्लाह के घोड़े पे सवार है। तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौज यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुंची। उमर बिन साद कहता है कि शिमर अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते? शिमर कहता है कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ता है। जाओ खेमों को आग लगा दो। बस शिमर खेमों को आग लगाता है और उमर बिन साद कहता है, उर्मिला हुसैन पे तीर चलाओ। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन पे तीर चलाना शुरू कर दिए और वहाँ खयाम को आग लगना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं और कभी खयाम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, जिसके पास जो जो चीज है वो फेंक के मारे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार फेंक के मारी, कोई तीर मारता रहा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म मिट्टी उठा के हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज आती है, हुसैन हुसैन तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सदा सुनी, रिज़्न पे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे ही पढ़ा और ज़ुल्फ़िकार को नियाम में रख दिया। वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पे लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की जीर से ज़मीन पे, इमाम हुसैन के जिस्म पे इतने तीर थे कि रसूल अल्लाह का नवासा न जीन पे था न जमीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद तक फौरन पहुंचाए, हमें इनाम मिले। जो करीब जाता है, इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोता हुआ वापस आ जाता है। इतने में शिमर कहता है, ये काम मुझसे ही होगा, खंजर दो। खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में, शिमर आके इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर रखता है और चलाने लगता है। शिमर देखे कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। वो हंस हंस के सोचने लगा, शायद हुसैन पछता रहे हैं, करीब आके सुनो तो क्या कहते हैं, फिर जाके यजीद को बताऊंगा। जैसे ही कान करीब करके सुनने लगा, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह कबूल करना, इस तेरे हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐ अल्लाह गवाह रहना, इस तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। इमाम हुसैन ने कहा, तुम फिर भी मुझे कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, तुम्हें कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपने जन्नत की फिक्र नहीं?
शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के पाक गले पे खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवासाए रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर कटना था। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बरपा हो गया। सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा कि लूटो, अहल बैत के खेमों को लूट लो। बस फौज खेमों की तरफ बढ़ती है। बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फौजे यजीद एक एक चीज को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर देखे, एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कर रही है। शिमर करीब गया। उस बच्ची ने सोचा, शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ रखेगा। शिमर ने देखा उस बच्ची के कानों में बालियां पहनी हुई है। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींच के निकाल दिया। वो बच्ची करबला की जमीन पे बैठ गई और कहने लगी, दादा अली कहाँ है आप। बस बीबियां बेपर्दा होगी, जमीने करबला पे बेवारिस होके बैठ गए, खयाम चल गए। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से सर काट के मेरे पास लेके आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाओ, ताकि दुनिया को मालूम हो जो इस यजीद के सामने आएगा, यजीद उसकी बेटियों बहनों को बेपर्दा कर देगा और उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। शिविर ने कहा, हाँ लाशों को लगाओ, घोड़ों को तैयार करो। किसी कबीले से आवाज आई कि अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, हम अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। उमर बिन साद ने कहा, ठीक है अकबर की लाश जुदा कर दो। किसी ने कहा, जॉन हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, ऑन और मोहम्मद हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, हुर हमारे कबीले से है। किसी ने कहा, जनाबे अब्बास पे हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा, कासिम यमन की शहजादी का बेटा है, हम इस पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। करबला की तारीख ने तहरीर कर दिया कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई न कोई ये कहने लगा कि इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। उन तमाम शहीदों की लाश जुदा हो गई। बस एक गरीब माँ और एक गरीब बाप का बेटा हुसैन जमीने करबला पे पड़ा रहा। किसी ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे रसूल की बेटी का बेटा है, ये अली मुर्तजा का बेटा है। शिमर ने कहा, बस लावारिसों की तरह हुसैन की लाश पड़ी हुई है। वो जो पामाल करने के लिए घोड़े तैयार किए गए थे, बुलाओ सबको, घोड़े तैयार होते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े कभी मशरिक से मगरिब को जाते हैं, कभी मगरिब से मशरिक को जाते हैं। इमाम हुसैन की लाश पामाल होती रही। इमाम हुसैन की दाई पसलियां बाई पसलियों की तरफ चली गई, बाई पसलियां दाई पसलियों की तरफ चली गई। इमाम हुसैन का सीना और पुश्त एक साथ हो गए। वहाँ नवासा रसूल की लाश पामाल हो रही है, वहाँ फौजे यजीद झूम रही है, वहाँ रसूल अल्लाह की बेटियां रो रही है। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी का 10 मुहर्रम वाहिद दिन था जिस पे अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो करबला के शहीद नवासाए रसूल इमाम हुसैन पर। इमाम हुसैन।